है अब व्यक्ति और समाज एक दूसरे के परिपूरक हैं। व्यक्ति समाज की इकाई है, फुल स्टॉप। इसके विपरीत समाज कॉमा व्यक्तियों की सामूहिकता को दर्शाता है, जिस प्रकार सामाजिक विघटन कारण तथा फल दोनों हैं, उसी प्रकार व्यक्तियक भी सामाजिक विघटन से समाज का संस्थागत नियंत्रण छिन्न भिन्न हो जाता है और मनुष्य के प्राकृतिक स्वभाव को इस बात का अवसर देता है कि वह स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करे। फलस्वरूप सामाजिक संस्थाएं प्रभावहीन हो जाती हैं और व्यक्ति के लिए किसी प्रकार का पथ प्रदर्शन नहीं रहता, फुल स्टॉप। इस प्रकार व्यक्तियक विघटन की सामाजिक विघटन से पृथक नहीं किया जा सकता, फुल स्टॉप। जो शक्तियां सामाजिक विघटन उत्पन्न करती हैं वही व्यक्तियक विघटन के लिए भी उत्तरदायी होती हैं। जब समाज विघटित होता है कॉमा तो व्यक्ति स्वतः विघटित हो जाता है। समाज विघटन से प्रभावित व्यक्ति कॉमा अपने महत्वपूर्ण सामाजिक संबंधों से वंचित हो जाते हैं और निराशा व असुरक्षा की भावना से पीड़ित रहते हैं, फुल स्टॉप। समाज संबंधों की वह व्यवस्था है जो व्यक्तियों को कार्य की सामान्य दिशा प्रदान कर उन्हें एक सूत्र में बांधे रखता है, फुल स्टॉप। सामाजिक विघटन से ये संबंध टूट जाते हैं और व्यक्ति सामान्य उद्देश्यों के लिए कार्य करना बंद कर देता है, फुल स्टॉप। व्यक्ति व समाज के संबंधों को स्पष्ट करते हुए रॉल्फ क्रैमर ने उल्लेख किया है कि इनवर्टेड कॉमा समाज के नाटक में व्यक्ति अभिनेता है और उनके संबंध में वे बंधन हैं जो उन्हें एक सूत्र में बांधते हैं। प्रत्येक व्यक्ति उतना ही
शक्तिशाली है जितने कि उसके संबंध हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति अपने आप में अकेला नहीं रहता, इसलिए सामाजिक विघटन कौमा व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों की विफलता और विच्छेद को दर्शाता है। परंतु अभिनेता भी इस प्रक्रिया में अनिवार्य रूप से सम्मिलित रहते हैं। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। नेक्स्ट पैरा। रॉल्फ क्रीमर के इस उल्लेख से स्पष्ट है कि विचलित समाज में ही विघटित व्यक्ति पाया जाता है। दूसरे शब्दों में सामाजिक और व्यक्तिगत विघटन दोनों साथ साथ विद्यमान रहते हैं। फुल स्टॉप। व्यक्ति का विकास सामाजिक परिवेश में होता है, जब समाज का विघटन होता है तब व्यक्ति स्पष्ट रूप से अपने कार्य और दायित्वों को नहीं समझ पाता। उसका व्यवहार आचरण के मान प्रतिमानों से विचलित हो जाता है। नेक्स्ट पैरा। व्यक्तिगत विघटन की दशा में व्यक्ति सामाजिक मूल्यों कौमा रूढ़ियों कौमा परंपराओं और रीति रिवाजों का उल्लंघन करता है। वह समाज के संस्थागत नियंत्रण को भी स्वीकार नहीं करता। फुल स्टॉप। धीरे धीरे वह पतन की उस अवस्था तक पहुंच जाता है जिसमें वह अन्य व्यक्तियों के हितों के लिए खतरा बन जाता है। फुल स्टॉप। व्यक्तिगत विघटन व्यक्ति को अपराध की ओर धकेलता है। यही कारण है कि अपराधी व्यक्तिगत दृष्टि से विघटित होते हैं। इस प्रकार व्यक्तित्व का वह स्वरूप है जिसमें व्यक्ति समाज के साथ समायोजन नहीं कर पाता और उसका व्यवहार आचरण के प्रचलित नियमों के विपरीत हो जाता है। फुल स्टॉप। और व्यक्ति अन्य लोगों के संदर्भ में अपने कार्यों को करने में असमर्थ होता है और इस प्रकार सामाजिक
विघटन की प्रतिक्रिया को प्रतिपादित करता है। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो इसे शेयर, कमेंट और लाइक आप ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारी न्यू नोटिफिकेशंस लगातार मिलते रहेंगी।